अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकोड़ा। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हम कढ़ी चढ़ा देंगे क्योंकि उसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है। वन टीस्पून पिसी हुई हल्दी ली है मैंने, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और ये तेज़पत्ता मैंने 3 लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर 1 टेबलस्पून, डेढ़ पाव मैंने दही लिया, इसमें मैं 2.5 टेबलस्पून बेसन का ऐड करूँगी। अब मैं इसे एक जग में डाल लूँगी। अगर आप चाहें तो बेसन को और दही को हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन इसमें ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसे हम चला लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, 30-30 सेकंड का वक्त। ये देखिए, ये मैंने कर लिया है, आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं चूल्हे पे एक पैन रखूंगी। पैन में मैंने आधा कप तेल डाल लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। तेल आपने शुरू में कम ही लेना है क्योंकि आखिर में आप जब बघार लगाएंगे तो जब भी इसमें तेल जाएगा, इसलिए आधा तेल आप अभी ले लें शुरू में और आधा बघार में चला जाएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम चला लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक के। मैंने इसे 1 मिनट तक के हल्का सा फ्राई किया है। अब इसमें मैं ये मसाले डाल दूंगी और इनको भी हल्का सा भून लूंगी। ये मसाले आप भून कर बनाएंगे तो ये कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है ताकि ये मसाले जले ना। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये दही का मिक्सचर। इसे हम फौरन से चला लेंगे। मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला, आपने भी नहीं डालना। जब एक बॉयल आ जाए तो नमक हमने जब डालना है, वरना कढ़ी फट जाती है। और दूसरी बात कि कढ़ी का ये जो मैंने बनाना शुरू की है, इसमें जब तक बॉयल ना आ जाए इसको हिलाते रहना है, वरना ये फटी फटी बनेगी। मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। इसमें कुल मिलाकर पानी तकरीबन 2 किलो होगा। ये देखिए, मैंने इसमें सारा पानी डाल लिया है। तकरीबन ये 2.5-3 किलो पानी बन गया है। पानी जितना ज़्यादा होगा अच्छा होगा। हमने इसे पकाकर हाफ कर लेना है और जब तक ये बॉयल नहीं हो जाती हमने इसे चलाते रहना है। कढ़ी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हसबे ज़रूरत ऐड कर लें। अब इसे मैं तकरीबन हल्की आंच पर 1 घंटे तक के पकने दूंगी ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। कढ़ी को बनते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये खुद ही घनी हो जाएगी। बस आपने ये चेक कर लेना है कि ये कच्ची तो नहीं है। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जायका कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कच्चापन नहीं है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और अब हम बनाएंगे पकौड़ों का मसाला। पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/2 टीन अदरक लहसुन का टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 प्याज जो मैंने बारीक काट लिया, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। मीठा सोडा मैंने 2
चुटकी लिया है। नमक हसबे ज़रूरत ले लें, क्योंकि नमक हम कढ़ी में डाल चुके हैं, तो नमक आपने एहतियात से लेना है। ये पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून और ये पिसी हुई अजवाइन मैंने 2 चुटकी ली है। आप चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। ये जिनको कढ़ी खाने के बाद थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ों को, ये इस वजह से मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। इन सबको हम आपस में मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे बेसन। ये बेसन मैंने 1 पाव लिया है। अगर आपने ज़्यादा पकौड़े बनाने हैं तो आप ज़्यादा ले लें। बेसन मैंने छान कर लिया था, इसीलिए इसमें कोई गुठली नहीं बन रही और ये आपस में आसानी मिक्स हो गया। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार है। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने ऑयल ले लिया है। अब हम ये पकोड़े बना लेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी ऑयल में भगार लगा लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप और ऐड कर लें, और अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल लें। इन पकोड़ों को मैं एहतियात के साथ इस कढ़ी में शामिल कर दूंगी। जब तक हम भगार बनाते हैं मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएं। एक मरतबा हम इसे चला लेंगे। भगार देने के लिए मैंने आधा प्याज लिया है और ये मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली, जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। नमक की यहाँ ज़रूरत नहीं है, नमक पहले ही हम वहाँ पूरा कर चुके हैं। इसको हम लाइट गोल्डन कलर में ले आएंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून लिया है मैंने, हरी मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। अब इस भगार को शामिल कर लेंगे हम अपनी कढ़ी में। ऊपर से डाल लेंगे हम चंद पत्ते हरे धनिए के। ये लीजिए जनाब, कढ़ी तैयार है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा लें, उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।